हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई दिल्ली में केटीएम वालों ने एक भाई के साथ में बहुत ही तगड़ा फ्रॉड करा है। और वो फ्रॉड जो है भाई आम तौर पे होता रहता है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं ताकि भाई जो भी मेरी इस वीडियो को देखेंगे उनको पता लगेगा, चाहे वो कोई बाइक खरीदने वाले हों, चाहे वो स्कूटी खरीदने वाले हों, या फिर वो कार खरीदने वाले हों, तो उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि काफ़ी हद तक ऐसे फ्रॉड से बचा जा सकता है। हालांकि जो शोरूम वाले होते हैं वो इस तरह के फ्रॉड आए दिन करते रहते हैं, और भाई वो उनके लिए बिजनेस है, वो उसको गलत नहीं मानते। लेकिन एक बंदा जो कि अपने पास से मतलब जमा पूंजी इकट्ठी करके पता नहीं यार कैसे कैसे करके, तो मिडिल क्लास बंदे जो हैं वो जाके एक बाइक खरीदते हैं, और उसमें भी अगर मान लो 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए किसी ने खर्च करने हैं, और भाई उसकी EMIs, बहुत से बंदे ऐसे हैं ज्यादातर तो जो EMI पे खरीदते हैं भाई, जो अपनी कमाई से बचा बचा के पैसे अपने खर्चों को कम करके उन पैसों से EMIs भरते हैं, और उनको वो प्रोडक्ट जो है वो गलत मिल जाए तो भाई ये बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात है, और ऐसा किसी के साथ ना हो। तो इसलिए आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक आपको बताने वाला हूं जिससे कि आप इन फ्रॉड से काफी हद तक बच सकते हैं। और पहले मैं आपको बताऊंगा कि उन भाई ने क्या गलती की है और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाया करे। तो गाइस आपको मैं एक शोरूम वालों की एक चीज बता देता हूँ। देखो सब तो ऐसा नहीं करते, लेकिन काफी लोग जो है इस तरह की चीजें करते हैं, और ये बाइक के ही बिजनेस में नहीं हर बिजनेस में ऐसा होता है। जैसे कि मान लो एक नया लॉट आया, एक लॉट के अंदर 10 बाइक या फिर कार का मतलब आप कुछ भी सोच सकते हो, व्हीकल्स की बात हो रही है यहाँ पे, स्कूटी भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, सुपर बाइक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मान लो एक शोरूम पे एक कोई भी नई कार या बाइक या कुछ भी बाइक मान के चलते हैं हम, तो बाइक एक लॉन्च होती है, उसके बाद में शोरूम के ऊपर स्टॉक आता है जैसे कि 2 बाइक आई हैं 4 बाइक आई हैं या फिर 5 जितनी भी आप मान सकते हो, उनमें से मान लो एक पीस जो है वो डिफेक्टिव पीस निकला है। अब वो जो है वो शोरूम के नाम पे वहां से बिल फट के आ चुका है, तो शोरूम वाले क्या करते हैं उसको बेचने के चक्कर में लग जाते हैं। अगर मान लो किसी पे छोटा मोटा डेंट आ गया है तो वो उसको जो ना रिपेयर करा के उसको भी बेच देते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है उसको भी ठीक करा के बेच देते हैं। तो इन सारे फ्रॉडों से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए वो सब मैं आपको बता देता हूं। तो भाई अगर किसी आम आदमी ने मान लो एक बाइक खरीदी और उसके अंदर कुछ कमी है और उसने उस चीज को पकड़ लिया, लेकिन क्या हुआ कि बाइक जो है वो उसके नाम पे रजिस्टर्ड हो चुकी है, कंपनी जो है अपने बिल वगैरह सब कुछ RTO के पास में भेज चुकी है, रजिस्ट्रेशन के लिए सारे एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ भरा जा चुका है, साइन हो चुके हैं, पेमेंट हो चुकी है, या फिर फाइनेंस पे है तो फाइनेंस भी हो चुका है। तो उसके बाद में क्या होता है, तो वो जैसे ही एक आम आदमी अगर उस गलती को पकड़ लेगा वो शोरूम के पास वापस जाएगा, तो शोरूम वाले उसको क्या कहेंगे कि चलिए कोई बात नहीं है, आपकी जो गाड़ी है वो गारंटी में है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वो ठीक करके दी जाएगी। अब मान लो अगर किसी गाड़ी का इंजन ही खराब हो तो फिर क्या होगा, तो वो इंजन खोल के चेक करेंगे, तो भाई जिस गाड़ी का इंजन खुल जाता है उसका तो आपको पता ही है मार्केट जो है एकदम से डाउन हो जाती है। उसको अगर आप सेल करने के लिए जाओ तो पहले ही लोग ये पूछते हैं कि भाई इंजन तो खुला हुआ नहीं है। तो एक सील्ड इंजन की कीमत जो होती है वो एक बाइकर या फिर जो उससे प्यार करते हैं बाइक से अपनी, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होती है कि एक सील्ड इंजन बाइक जो होती है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हैं तो जल्दी से आपका इंजन जो है वो नहीं खुलता है। तो भाई शोरूम वाले ये करते हैं कि आपको जो है पता भी नहीं लगता और आपकी वो चीज़ को रिपेयर करके आपको दे देते हैं। अब जिनकी बात मैं कर रहा हूँ भाई वो है एक यूट्यूबर, और काफ़ी टाइम से वीडियोस बनाते हैं मोटो व्लॉगिंग की बाइक से रिलेटेड, और मैं भी उन्हें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। उनका चैनल है एक्सप्लोर एंड मोर के नाम से, यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हैं, और उनके जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप जाकर उनकी वीडियोज़ अगर देखना चाहते हैं जो फ्रॉड वाली, उन्होंने एक एक वीडियो बनाई है। भाई ने ये चीज़ बहुत अच्छी की है कि वो शोरूम वालों के बातों में नहीं आए, और शोरूम वालों ने उन्हें काफी कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई आप जो है इनको वीडियोस को मत डालना कहीं भी, ना इंस्टाग्राम पे डालना ना यूट्यूब पे डालना। लेकिन भाई ने ये चीज बहुत अच्छी करी है कि उन्होंने एज इट इज एकदम रॉ फुटेज जो है वो डाली हुई है, और आप जाके उसको जरूर से देखना ताकि आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि KTM वालों ने बेसिकली वहां पर उनके साथ में किया क्या है। तो आपको पता ही होगा KTM की ड्यूक 390 जेम 3 अभी लॉन्च हुई है कुछ टाइम पहले ही। तो भाई जो यूट्यूबर होते हैं वो एक नए प्रोडक्ट को इसलिए खरीदते हैं ताकि सबसे पहले गाड़ी उनके पास में आ जाए और वो उसकी अच्छी अच्छी वीडियोज बनाए ताकि अच्छे व्यूज आए। तो भाई हर यूट्यूबर यही चाहता है कि चीज सबसे जल्दी से जल्दी उसे मिल जाए। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक कार खरीदी थी, हुंडई की एक्स्ट्रा,
तो हम ये सोच रहे थे कि उस पर 6 महीने की वेटिंग थी, लेकिन हमने अपनी सोर्स लगा के उसको 1 महीने के अंदर ही खरीदने की कोशिश करी थी और वो हमें मिल भी गई थी, 20-22 दिन के अंदर हमें वो मिल गई थी। तो इसलिए मैंने फिर उसके ऊपर वीडियो बनाई, तो मेरी वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, जिसकी वजह से मेरा वॉच टाइम जो है वो भी कम्प्लीट हो गया था। तो चलिए अब बात करते हैं कि उन्होंने गलती जो है वो क्या करी है। अब भाई शोरूम वालों के पास में जो है बुकिंग आ जाती है, वो बुकिंग ले लेते हैं, उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे जैसे स्टॉक आता रहता है वैसे ही वो कार्स या बाइक जो भी है उसको डिलीवर करते रहते हैं। अब उन वाले शोरूम वालों के पास में एक बाइक आई, वो उन्होंने इससे पहले जिसको प्रॉमिस कर रखा होगा उनको वो बाइक डिलीवर कर दी। तो जिस बंदे को वो बाइक डिलीवर करी थी उसको चलाने के बाद में उसको लगा कि भाई इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसके अंदर दिक्कत है, तो उसने वो बाइक वापस करके और फिर दूसरी बाइक जो है अलग कलर की वो ले ली। तो उस भाई का तो मामला शांत हो गया। दोबारा जो ये एक्सप्लोर एंड मोर वाला भाई है, इसको इन्होंने वही वाली सेम बाइक जो है इनको उठा के चेप दी। इनको फोन करके बोला कि भाई आपको जो है बाइक आ चुकी है, आपकी अवेलेबल है, आप जल्दी से आ जाओ और ले जाओ, बाइक बिल्कुल रेडी है, नहीं तो कोई और ले जाएगा। अब भाई जिसको पहले से ही जल्दी हो तो वो तो एकदम फटाक से भाग के आएगा। भाई ने क्या काम करा, गए और जाकर बाइक लेकर आ गए। अगले दिन वो राइड पे निकले, छोटी मोटी राइड जो करते हैं अपना 100-150 किलोमीटर वाली, उस पे क्या हुआ कि 90 या 100 किलोमीटर चलने के बाद में बाइक के इंजन से बहुत ही अजीब सी आवाज आने लगी। आवाज के साथ में एक प्रॉब्लम और हो रही थी कि कभी उसके जो गियर्स हैं वो अटक रहे थे, कभी छठे गियर से नीचे ही नहीं आ रहा था, कभी एक बहुत कोशिश करने के बाद में गियर्स नीचे हो रहे थे, कभी ऊपर नहीं हो रहे थे। तो ये बाइक के अंदर ये दिक्कत आने लगी। जब वो उसको शोरूम में लेकर वापस गए तो शोरूम वालों ने क्या कहा कि भाई हम जो है आपकी बाइक जो है उसको ठीक करवा देते हैं, जो भी दिक्कत है उसको हम ठीक करा देंगे, हमारे इंजीनियर आएंगे कंपनी की तरफ से, वो उसको बिल्कुल ठीक करके चले जाएंगे। उन्होंने कहा तो ठीक है आप अपने इंजीनियर्स को बुला लीजिए। उसके बाद में उन्होंने उन इंजीनियर से बात की तो उन्होंने ये कहा कि भाई पहले तो वो एक दो दिन तक आए ही नहीं। जब उन्हें काफी वेट कराने के बाद में जब उनकी फोन पे बात हुई तो वो जो इंजीनियर्स थे जो आ रहे थे उस बाइक को ठीक करने के लिए, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप अपनी गाड़ी का इंजन खुलवाने के लिए तैयार हो तो फिर मैं आपको जो है हम आ जाएंगे और आपकी गाड़ी का इंजन खोल के चेक करेंगे क्या दिक्कत है। अब भाई ने भाई 4 लाख रुपए की मोटरसाइकिल अगर ली है तो वो क्या करेगा, वो उसका इंजन क्यों खुलवाएगा नई बाइक का लेते ही 2 दिन में 4 दिन में। तो भाई ये पूरा जो मामला 10 दिन से चल रहा है और अभी तक भी इसका कोई सोल्यूशन निकाला नहीं गया है। हालांकि वो भाई जो है बेचारे बहुत परेशान है, उनके साथ में खैर सपोर्ट बहुत अच्छा है, हम लोग भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हमने भी खूब मैसेज किए हैं, खूब कमेंट्स मारी हैं और भाई को जितना सपोर्ट हो सकता था उतना सपोर्ट हमने भी किया, और भी काफी यूट्यूबर जो है वहां पर पहुंच गए उनके साथ में। और जिस भाई को वो पहले बाइक लपेटी थी शोरूम वालों ने, वो वाला बंदा भी उनके पास में आके आराम से उनसे भी बात हो चुकी है। तो भाई सपोर्ट तो नो डाउट उन्हें खूब मिल रहा है, लेकिन जो शोरूम वाले हैं वो ना तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं और उनको एक ऑफर और दे रहे थे कि भाई आप एक काम करना, देखो हालांकि अगर आप यूट्यूबर हो तो पहले तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि भाई आप तो यूट्यूबर हो तो हमें इससे क्या लेना है और ये यूट्यूबर होते ही क्या है। फिर उस भाई ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जब उन्होंने अपनी एक वीडियो डाली और उसमें उन्होंने हमसे यानी अपने सब्सक्राइबरों से एक हेल्प मांगी कि भाई आप मेरी हेल्प करो इस मामले में, तो भाई हम सब्सक्राइबरों ने क्या किया, सब जो है कॉल कर करके शोरूम वालों को उनके पास मतलब कॉल करके शिकायत करने लगे कि भाई आपने बहुत गलत किया है, आप उनको जो है दूसरी बाइक दो। तो इस वजह से शोरूम वालों को तब पता चला कि भाई हाँ एक यूट्यूबर जो है जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर है भाई उनकी भी कुछ पावर होती है। तो उसके बाद में उन्होंने उनको क्या ऑफर दिया है कि भाई हम आपका जो इंजन है उसको रिप्लेस करा देते हैं, लेकिन आप ये वीडियोस वगैरह जो है ये ना तो आप उस पर डालोगे कहीं भी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, ना ही आप इनको यूट्यूब पे डालोगे। तो भाई जो बंदा अपने काम ही उसका यूट्यूब का है, जिसका खर्चा यूट्यूब से चल रहा है, जिसकी सारी आमदनी जो है वो यूट्यूब से है, तो भाई वो वीडियो कहाँ डालेगा। एक बात तो बताओ, तुमने उसके साथ में इतना सारा फ्रॉड किया है तो क्या एक तुमने, चलो मान लो अब तो तुम्हें यूट्यूबर की ताकत का पता चल गया कि आपने इस वजह से उसकी इंजन का रिप्लेस का ऑफर दे दिया, लेकिन भाई अगर यूट्यूबर की जगह कोई एक आम आदमी होता जिसको कोई नहीं जानता होगा उसके साथ तुम क्या करते, उसके साथ तो तुम सेम वही करते ना कि उसकी नई बाइक का इंजन खुल जाता और उसकी बाइक जो है वो 1 महीना भी नहीं चला पाता, वो 10 दिन में उसकी बाइक की हालत वो हो जाती कि अगर वो उसको सेल करने के लिए निकलता तो वो एकदम मतलब बहुत ही कम पैसों में बिकती क्योंकि उसका इंजन खुल चुका है। एक चीज और, उसके बाद में उस भाई को गुस्सा इस वजह से आया और आने वाली बात भी है, लाजमी है इस पर गुस्सा आना, उन्होंने ये कहा कि आप किसी डीलर को बुला लीजिए और अपनी ये बाइक जो है इसको सेकंड हैंड में सेल कर दीजिए, उसके बाद में फिर आप आके नई बाइक ले लेना। तो भाई ये कौन सी बात हुई, तुम्हारी गारंटी का क्या हुआ, तुम्हारी सारी चीज का क्या हुआ। अब भाई कंपनी वाले जो है उनको जो है वो मैसेज वगैरह करते हैं, मेल वगैरह करते हैं, लेकिन कंपनी से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और जो उसका मालिक है
जो शोरूम का मालिक है भाई वो फरार है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है भाई, पुलिस केस हो रखे हैं, सब कुछ हो रखा है, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकल पा रहा है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको, देखो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें उस भाई की भी थोड़ी बहुत गलती है। एक तो उसने जल्दबाजी की है जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई एक चीज लॉन्च होती है ना तो उसका फर्स्ट लोड जो है वो कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। और जब एक दो चीजें आप देख लो कि कुछ यूट्यूबर्स के पास में आ गई, भाई थोड़े व्यूज ही तो कम आ जाएंगे, लेकिन अगर आप 4 लाख रुपए एक चीज़ में डाल रहे हो तो वो चीज़ भी तो अच्छी आएगी। तो जब आप उसके रिव्यूज़ वगैरह देख लो उसके बाद में ही उसको कंसिडर करना लेने के लिए कि हाँ अब आप लोगे या नहीं लोगे। तो एक तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप जाते हो PDI करने के लिए तो आपको बहुत अच्छे से PDI करनी है, थोड़ा बहुत चला के भी देखना है अपनी वाली यूनिट को। ऐसा नहीं कि जो टेस्ट ड्राइव वाली है उसी को चला के देख लिया। आपको पूछना है कि भाई मुझे PDI करने के लिए बुलाया तो मुझे मेरी वाली यूनिट दिखाओ जो कि मुझे मिलेगी। तो उसको अच्छे से आप चेक करो, उसके ऊपर कहीं स्क्रैच तो नहीं है, कहीं पर पेंट खराब तो नहीं है, या कहीं पर उन्होंने डेंट पेंट का काम तो नहीं करा दिया है, क्योंकि ऐसा भी बहुत देखने के लिए मिलता है शोरूम्स वगैरह के अंदर, ये वाला स्कैम काफी ज्यादा होता है। बहुत अच्छे से उसको चला के देखने के बाद, हर चीज से तसल्ली करने के बाद में, तभी फिर उसको क्या करना है, आप PDI करके उसको छोड़ के जाएंगे, तब वो आपको अगले दिन उसको तैयार करके देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो आप उसका इंजन नंबर, चेचिस नंबर, उन सबकी फोटो खींच के जरूर से ले जाना, ताकि ऐसा ना हो कि आज PDI आपने किसी और यूनिट की है और अगले दिन आपको कोई दूसरी यूनिट पकड़ा के वो भेज देंगे। तो ये चीज जरूर से कर लेना, और हर एक चीज की वीडियो बनाना, जिससे कि आपको वीडियो में थोड़े बहुत क्लू जो है वो मिल जाते हैं इसके रिगार्डिंग। अगर कोई यूनिट आपकी चेंज हुई होगी तो उसमें पता लग जाएगा, या फिर अगर वीडियो बन जाती है तो शोरूम वालों को भी ये होता है कि भाई कस्टमर ने आके खुद वीडियो बना के लेके गया, तो इसलिए वो फ्रॉड करने के बारे में सोचेंगे नहीं। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और एक सबसे बड़ी गलती जो उस भाई ने की थी, जब वो बाइक उन्होंने उनको डिलीवर करी है कंपनी वालों ने, शोरूम वालों ने, तो वो बाइक जो थी 30-35 किलोमीटर चली हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है थोड़ा बहुत टेस्टिंग में चल जाती है। तो भाई टेस्टिंग में 5 किलोमीटर चल सकती है, 10 किलोमीटर चल सकती है, लेकिन 35 किलोमीटर नहीं चल सकती। भाई 35 किलोमीटर का मतलब है कि उसको पहले ही किसी ने काफ़ी अच्छे से चलाया है, चेक किया है, और उसके बाद में उसको दिक्कत का पता चला है, तो उन्होंने वापस करी है। लेकिन भाई को थी YouTube पे वीडियोस डालने की जल्दी, इस वजह से जल्दी में ही उनसे ये काम हुआ है। तो ऐसी कोई भी बाइक, कार, स्कूटी ना लें जो कि ज़्यादा चली हुई हो, मैक्सिमम 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे तो आपको 0 मीटर पर मिलनी चाहिए जब आप PDI करने के लिए जाते हैं, तो वो 0 मीटर होना चाहिए, क्योंकि भाई ये गाड़ी जो आती है शोरूम के अंदर, ये कोई चल के नहीं आती है, इनको गाड़ी के अंदर लोड करके लेके आया जाता है, चाहे वो कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो। तो ऐसा मत सोचना कि ये चल के आई होगी या टेस्ट करने में इतना चल गई होगी। 20 किलोमीटर ऊपर कोई गाड़ी चली हुई है उसको लेना ही मत, आप 15 किलोमीटर भी मत लेना, आपको 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इतनी चली हुई है तो आप कंसीडर कर सकते हैं, और उसको भी बहुत अच्छे से चेक करना। और हर चीज़ की जो है वीडियो जरूर बनाना, चाहे आप यूट्यूबर हो चाहे आप नॉर्मल बंदे हो, वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप वीडियो बना सकते हो। और इसके अलावा जब आप PDI करने के लिए जाओ तो भाई इंजन नंबर, चेचिस नंबर, ये सब, और टायर की प्रोफाइल वगैरह, ये सब चीज़ों की वीडियोज़ वगैरह जो है आप बना के लाओ PDI के टाइम पे ही, और बिना PDI के तो लेना ही नहीं है, कुछ भी लेना ही नहीं है भाई। PDI करनी जरूर है। अगर शोरूम वाले आपको नहीं बुलाते हैं तो आपको खुद उनसे बोलना है कि भाई मुझे देने से पहले, मुझे डिलीवरी से पहले इसकी PDI करवाना, उसके बाद में ही मैं इसको लेकर जाऊंगा। तो शोरूम वाले भी समझ जाएंगे कि बंदा जो है वो समझता है, और इसलिए वो उसके साथ में फ्रॉड वगैरह नहीं करेंगे। तो भाई के साथ में आगे क्या होगा क्या नहीं, ये आप उनके चैनल पर जाकर उनको सब्सक्राइब कर लेना और उनकी वीडियोस देखना, ताकि आपको एंड में रिजल्ट का पता चल जाए। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आई होप कि आपको जो बातें मैंने बताई हैं अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।